स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कर्जे के बारे में। कर्जा जरूर से ज्यादा आपके सर पे हो गया है और इसके चलते आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा है, तो मान के चलिए कि ऐसा अब आपको नहीं करना पड़ेगा। सारे हमें उम्मीद है कि आपने ये मैजिकल फॉर्मूला नोट किए होंगे, लेकिन बचा है अभी एक और खास मैजिकल फॉर्मूला और वो है मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5। आइए जान लेते हैं जिससे। जी साथियों, अगर ऐसा है कि छत के राइट आपके पास, इसके कहते हैं रूफ राइट, अगर आपके पास है या पूरा भवन ही आपका है, तो आपको ये चाहिए कि आप जाए समय समय पर जाकर के छत पर भी एक बार जाके चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो पानी की टंकी ऊपर से लीक होती है, ओवरफ्लो का पानी आपका साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण में खड़ा हुआ है और नाली वहां की बंद हो गई है, या फिर जब बारिश का पानी अगर वहां पे खड़ा होता है तो ये मान के चलना कि साउथ ईस्ट में आपको आपको ऐसा कर्जा हो जाएगा आपका बहुत सारा और आपको जब प्रॉपर्टी आपको सेल करनी पड़ जाएगी, यदि ऐसा इसको चेक करते हैं। दूसरी बात, छत का कोई भारी सामान आपने प्लेस करना तो हमेशा रखें साउथ वेस्ट में, जिससे कि आपके ऊपर जो है कर्जा कभी ना चढ़े और आप हमेशा लाइट फील करें। चलिए अभी एक कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, सरोज, उनसे हम बात करेंगे। सरोज जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सरोज जी। हाँ मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, दक्षिण मुखी मकान है मेरा और इसमें सोने के कमरे में उत्तर दिशा में बीम है ऊपर, तो क्या वास्तु सही है या गलत है? जी देखिए, कोई भी मकान बिना बीम पे नहीं बनता, हमेशा मकान में बीम बनाने पड़ते हैं। यदि आपका मकान में नॉर्थ में बीम है कोई समस्या नहीं, कमरे में है लेकिन बीम के नीचे आपने सोना नहीं, डेफिनेटली अगर आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो आपका बेड हमेशा साउथ में रहना चाहिए और साउथ में आपका बेड रहेगा तो आपके ऊपर कभी भी बीम नहीं रहेगा, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने इतनी खास जानकारी दी। लेकिन अगले हफ्ते रविवार को ठीक शाम को 4:30 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी और अगले हफ्ते हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने ऑफिस में काम करते हैं लेकिन वहां पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो जाती है और जिसके चलते आपकी जो छवि है आपके बॉस की नजरों में खराब हो जाती है। इसकी एक वजह वहां ऑफिस का वास्तु भी होता है, जहां जहां आपकी जो बैठने की जो दिशा है वो गलत हो सकती है, जो आपको इस तरह की चीज के अंदर शामिल कर सकती है। ये अगले हफ्ते की जानकारी जो हम आपको अभी बता रहे हैं। फिलहाल देखिए आप अगले हफ्ते यानी रविवार के कार्यक्रम की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार नमस्कार।